हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्रिक। बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का फोर्थ लेक्चर और सर्कुलर मोशन का भी फोर्थ लेक्चर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चैप्टर जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो आज सर्कुलर मोशन का फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने काइनेमेटिक्स देखा था और सेकंड लेक्चर में भी काइनेमेटिक्स देखे थे और थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देखा था, थोड़ा सा क्या डिटेल में काफी देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। उसके बाद थर्ड लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में देखा था। तो हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक जैसे कि काइनेमेटिक्स जो होते हैं सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स, मतलब उसमें क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारा मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है और दूसरे लेक्चर के आधे पार्ट में मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन क्या होता है, कॉज ऑफ द सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें आते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को डिटेल में बताई हुई है फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर रोटेशनल डायनामिक्स का। अगर आपको वीडियो देखने का है तो मैथमेटिक्स बाय विवेक भी मिश्रा सर्च करिए, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ बच्चों, आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक सर्कुलर मोशन का, जो कि है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ओके, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट करिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड रोटेशनल डायनामिक्स का फोर्थ लेक्चर। बच्चों सर्कुलर मोशन का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बार रिकमेंड जरूर करूंगा कि काइनेमेटिक्स जरूर देख लीजिए। काइनेमेटिक्स मतलब बेस है उसका, ऑसिलेशन भी उसी पर डिपेंड करेगा। और इस रोटेशनल डायनामिक्स जो टॉपिक है अपना, उसका जो सेकेंड पार्ट है अपना रोटेशनल मोशन, वो भी उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेक श्योर दैट आप वो जरूर देख लीजिए। तो अब ये जो चैप्टर में बचे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन ही बचे हैं, मतलब जो सर्कुलर मोशन का पार्ट बचा है वो डेरिवेशन ही बचा है, सारे के सारे डेरिवेशन होंगे। और सारे डेरिवेशन मैं आप लोग को एकदम डिटेल में करवाऊंगा कि उसमें अगर कोई भी आपको, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन उठाऊंगा और उसी का आंसर भी करूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दूसरी बात, अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा रोटेशनल डायनामिक रोटेशनल मोशन, उसमें थोड़ा सा थ्योरी है और बाकी डेरिवेशन है। तो दिस चैप्टर इज फुल ऑफ डेरिवेशन, पूरा डेरिवेशन से भरा पड़ा भी है चैप्टर। ओके, सो डेरिवेशन बहुत सारे आप ध्यान से करिएगा। ओके, तो पहला डेरिवेशन आज अपना, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। सेंट्रीपिटल फोर्स कंप्लीट होने के बाद उसमें हम लोग ने यूसीएम और नॉन यूसीएम भी डिस्कस किया था, तो आज हम उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? उसका एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम में सबसे पहला है अपना व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। क्या डेरिवेशन अपना? व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ये डेरिवेशन जो है 3 मार्क के लिए पूछा जाता है जनरली। अच्छा, इस डेरिवेशन का एक और नाम है बच्चों, इस डेरिवेशन का एक और नाम है, क्या है इसका नाम? जैसे कि यहां पे आपकी जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, या फिर इस डेरिवेशन का एक और नाम हो सकता है। क्या उस डेरिवेशन का नाम? जैसे इसका नाम है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड। तो ये डेरिवेशन जो है इन दोनों नाम से आ सकता है आपको एग्जाम में। अगर सपोज कर लीजिए ये नाम से आ गया ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लगेगा कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है। नहीं, ये जो डेरिवेशन है इसका दोनों नाम हो सकता है, या तो व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, अच्छा तो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं जो कि आपके इस बुक में नहीं दिया हुआ है, इसका उस डायग्राम का डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इमेजिन करवाने के लिए, ताकि आपको टॉपिक इजी लगे, तो मैं एक अपनी तरफ से डायग्राम ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ में आ सके टॉपिक के हिसाब से, जो टॉपिक करना है उसके हिसाब से मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। जैसे कि ये क्या है आपका व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है। ओके, सर्कुलर ट्रैक कैसे दिखेगा? जब आप टॉप से देखेंगे, सपोज आप बालकनी से देख रहे हैं या फिर टेरिस वगैरह हेलीकॉप्टर वगैरह से देखेंगे, तो कुछ इस तरीके का आपको सर्कुलर ट्रैक दिखेगा। ओके, अच्छा इस सर्कुलर ट्रैक पे अपनी गाड़ी चल रही है विद द वेलोसिटी वी एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। एट दिस इंस्टेंट द कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी वी एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। एट दिस इंस्टेंट
the car is moving with the velocity v and the direction of the velocity v in this direction. Acha, can I say that bachcho ki this car is turning at every instant. हर मोमेंट पे देखो ये टर्न कर रही है ना, देखो बच्चों है ना, ये ऐसे जा रही थी, इसको सर्कुलर ट्रैक पे जाने का, तो ये हर एक मोमेंट पे टर्न ले रही है. देखो यहाँ पे से जा रही थी, उसे टर्न लेते हुए जा रही, यहाँ पे भी जा रही है, टर्न लेते जा रही, यहाँ पे भी जा रही तो उसे टर्न लेते हुए जा रही. हर एक मोमेंट पे ये क्या कर रही है, टर्न ले रही है. एंड देयर इज अ सम फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड एंड टायर. क्या बोला मैं, दिस कार इज टर्निंग एट एवरी इंस्टेंट. हर एक इंस्टेंट पे क्या कर रही है, टर्न कर रही है, और वो टर्न करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स. एंड फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ है, बिटवीन रोड एंड टायर. रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. रिपीट कर रहा हूं बच्चों, बैलेंस नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. दिस कार इज टर्निंग एट एवरी इंस्टेंट ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक. And there is some force which is responsible for the turning, and that force is known as centripetal force. And who providing the centripetal force? The frictional force. The frictional force providing the necessary centripetal force, which is between tire and road. Road or tire के बीच में जो frictional force है वो centripetal force provide कर रहा है. Okay? तो उसी की वजह से अपना car जो है हर एक moment पे क्या कर रहा है, turn ले रहा है. अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को देखो एक चीज आपसे discuss किया था कि centripetal force का direction क्या होता है. सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्सेलरेटेड मोशन. तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना अपना, वो अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर होता है. अपना सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर. अच्छा, अगर मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस और टूवर्ड द सेंटर है, और वही फोर्स मेरा प्रोवाइड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स का भी डायरेक्शन वही होगा, अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर. इमेजिन करके देखिए, है ना, यहाँ पे जो है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए उसी डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए. तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा, अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर. लेट्स से दिस इज माई सेंटर. सपोज बच्चों ये मेरा सेंटर है, तो दिस इज माई सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज माई सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज माई फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज माई फ्रिक्शन. एंड वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर. देखो मैंने एरो भी उसी डायरेक्शन में बनाया हुआ है. ओके, डायग्राम समझ में आके बच्चों, देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, एक मैंने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक बनाया, उसके ऊपर अपनी ये कार जा रही है. जैसे कि टॉपिक का एक और नाम है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड. देखो कर्व है ये. एट एवरी इंस्टेंट दिस कार इज टर्निंग. हर एक मोमेंट पे कार क्या कर रही है, टर्न ले रही है. हर एक मोमेंट पे, देखो ऐसा नहीं कि यहाँ पे टर्न लिया तो फिर यहाँ पे नहीं, सर्कुलर ट्रैक है तो हर एक मोमेंट पर टर्न लेना पड़ेगा. और हर एक मोमेंट पर टर्न लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स. देयर इज अ सम फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग. कोई तो फोर्स है ना जिसको टर्न करवा रहा है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन कहां पे होगा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है. ओके, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है. किस तरीके से, अगर आपको ये आपका सपोज कर लीजिए ये कार है, आपने बीएमडब्ल्यू के सपने देखे होंगे, तो ये मैं आपकी बीएमडब्ल्यू ड्रॉ कर दे रहा हूं. ओके, तो ये अपनी कार है, एंड दिस कार इज गोइंग इन अ सर्कुलर ट्रैक. कुछ अपना सर्कुलर ट्रैक कुछ इस तरीके का होगा, है ना बच्चों. देखो अपना सर्कुलर ट्रैक कुछ ऐसा होगा, अपनी कार जो है सर्कुलर ट्रैक में जा रही है. अच्छा, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज माई सेंटर ऑफ ग्रेविटी. व्हाट विल एक्ट डाउनवर्ड, इट्स मास, इट्स वेट, है ना, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड. इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. अच्छा, ऊपर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा बच्चों, है ना, नॉर्मल रिएक्शन. ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, नॉट बॉडी. ओके, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. ये दो फोर्सेज होंगे. और एक क्या होगा बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स जो मैंने बोला, फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे होगा, बिटवीन द रोड एंड टायर, बिटवीन द रोड एंड टायर. एंड वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर. क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं फ्रिक्शन को अगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से मेरा फ्रिक्शन होगा, FS मैं लिखता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना. तो ये हो गया इस सर्कुलर ट्रैक पे जो मेरी BMW जा रही है उसका फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है. फिर से देखो मैंने क्या बनाया, ये अपना व्हीकल बनाया. अच्छा, व्हीकल का टायर देखो कुछ आपको इस तरीके का बनाना है, आप उसको सर्कुलर मत बनाइएगा.
क्या मैंने बोला, सर्कुलर मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर जो है ना आपका साइड व्यू है, अगर साइड व्यू से देखेंगे तो टायर आपको सर्कुलर दिखेगा। इफ यू आर वॉचिंग दिस कार इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, अगर आप फ्रंट पे खड़े, सपोज कर लीजिए आप जो है ना यहाँ पे खड़े तो आपको टायर ना कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिलेंड्रिकल शेप में दिखेगा। तो अगर आप डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सर्कुलर मत बनाना, ओके, ऐसे कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप का बनाना, ओके, बिकॉज ऑफ दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट विल एक्ट डाउनवर्ड, इट्स वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, एमजी, एंड व्हाट विल एक्ट अपवर्ड, नॉर्मल डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द सर्फेस। तो ये सर्फेस है मेरा और इसके अपोजिट में एकदम अपवर्ड में रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द सरफेस, बॉडी के सरफेस में नहीं होगा। अगर मेरा ऐसा रहेगा तो फिर मेरा नॉर्मल रिएक्शन मेरा ऐसे रहेगा। अच्छा, तीसरा फोर्स क्या है मेरा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा, रोड और टायर के बीच में, रोड और टायर के बीच में मेरा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन मैंने यहीं पे क्यों लिया, क्योंकि अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, देखो अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, क्यों अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और सेंट्रीपेटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीपेटल फोर्स किस लिए है, क्योंकि दिस कार इज टर्निंग एट एवरी इंस्टेंट, तो देयर इज अ सम फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग दिस कार, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। आई होप आप लोग को इसका फ्री बॉडी डायग्राम और जो टॉपिक से रिलेटेड ये डायग्राम है ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो आइए अब डेरिवेशन को डिराइव करते हैं। क्या है अपना डेरिवेशन, अच्छा, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, एकदम सिंपली तरीके से आप डिराइव करेंगे, ऑन वाई एक्सिस वो इज बैलेंसिंग हूं, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग एम जी, लुक एट दिस, एन इक्वल्स टू एम जी, कॉल इट इक्वेशन नंबर वन, कॉल इट इक्वेशन नंबर वन। अच्छा, ऑन एक्स एक्सिस वो इज बैलेंसिंग हूं, Not balancing. मैंने पहले ही बोला था, the frictional force providing a centripetal force, the necessary centripetal force provided by the frictional force. तो अपना centripetal force जो है वो कौन provide कर रहा है, frictional force. तो क्या मैं लिख सकता हूं, friction is equals to centripetal force, friction is equals to centripetal force. अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अच्छा आप डेरिवेशन देखते चलिए, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी इसके ऊपर अराइज होते हैं, सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, okay. अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है म्यू एस एन, म्यू एस इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तीन फॉर्मूले होते हैं बच्चों, एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, और क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, तो ये सारे दो तीन फॉर्मूले होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं, उसमें से हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों यही फॉर्मूला यूज किया हमने, टॉपिक का नाम देखो क्या बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड, अगर आप एम ओमेगा स्क्वायर आर यूज करते हैं तो उसमें तो वेलोसिटी है ही, तो कहां से फाइंड आउट करोगे, तो इसलिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपेटल फोर्स के तीन फॉर्मूले हैं, उसमें से हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। अच्छा, एन के प्लेस पे बच्चों देखो, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर टू, ये रहा मेरा म्यू एस, एन के प्लेस पे मैं एम जी डाल सकता हूं, इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम एंड एम विल गेट कैंसल, तो अगर वी स्क्वायर क्या बचेगा, वी स्क्वायर सारा इधर भेजो तो म्यू एस आर जी, तो वी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, कैन आई से दिस इज माय मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड, देख लो, सोच लो, समझ लो। अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ओके, किया क्या मैंने, ऑन वाई एक्सिस पे वो इज बैलेंसिंग हूं, आई सेड बैलेंसिंग, मैं यहां पे बैलेंसिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसिंग एम जी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हुए चलते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है मेरा एम जी को बैलेंस कर रहा है, और ऑन वाई एक्सिस द फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, द फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, द फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, व्हाट इज फ्रिक्शन, म्यू एस एन, व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्यों मैंने ये फॉर्मुला यूज किया, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड, सो दैट्स व्हाई आई यूज दिस फॉर्मुला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एन के प्लेस मैंने एम जी डाला, एम एम विल गेट कैंसल, तो आर को इधर भेजिए, म्यू एस आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ओके, इसको अंडर रूट में डालिए, v is equal to under root of mu s rg, so this is my maximum velocity, okay. अच्छा, ये derivation जो है ना आपकी book में दिया हुआ है, ये derivation जो है आपकी book में दिया हुआ है, आपको अगर marks चाहिए तो आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन
आपकी बुक में ये डेरिवेशन डिराइव करते करते यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी लिखा है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर यहाँ पे तो मैंने वी 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 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वी लिखने के बाद मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कहां से आया। दिस क्वेश्चन शुड बी अराइज। ओके, तो आइए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला, फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो कैन आई से दैट इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ डिमांड एंड फ्रिक्शन फोर्स इज अ सप्लाई। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इट मींस दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ डिमांड एंड फ्रिक्शन इज अ सप्लाई। तो लॉजिकली अगर देश को अच्छे तरीके से चलाना है तो विच शुड बी मोर, डिमांड शुड बी मोर और सप्लाई शुड बी मोर। यस, योर आंसर इज करेक्ट, सप्लाई शुड बी मोर। तो आपका फ्रिक्शन जो है सप्लाई है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये आपका डिमांड है, तो आपका कभी भी सप्लाई ज्यादा होना चाहिए। सप्लाई क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इक्वल्स टू, अच्छा ये आपकी बुक में दिया हुआ, ये आपको ऐसे ही लिखना है। मैं क्वेश्चन, मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों आया। ओके, अच्छा इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्रिक्शन कैन आई राइट डाउन फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। जितना डिमांड है उतना तो सप्लाई होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला फ्रिक्शन जो सप्लाई अपना ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, डिमांड के। तो यहां पे इक्वल था, यहां पे भी हटा के मैं ये लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां पे भी हटा के मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू डाल सकता हूं, यहां पे भी हटा के मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू डाल सकता हूं। नाउ लुक एट हियर, हियर वी स्क्वायर इज लेस देन, वी स्क्वायर इज लेस देन यू एस आर जी, मतलब मेरा वेलोसिटी जो है ना लेस देन और इक्वल्स टू, या तो इससे कम होना, या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। रिपीट, क्या बोला मैंने कि जो मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन आया ना, देखो म्यू एस आर को यहां पे भेजो तो म्यू एस आर जी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी, तो वी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर जी, मतलब वेलोसिटी मेरा ना इससे लेस होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ, अगर इससे ज्यादा हुआ तो रादर देन टर्निंग दिस कार विल स्किड, है ना। अगर सपोज कर लीजिए मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी, मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा मैं वेलोसिटी से लेके गया अपनी कार, तो ये कार टर्न लेने के बजाय ये कार जो है स्किड कर जाएगी, ये कार क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी। तो मतलब मेरा जो कार का वेलोसिटी रखना है ना इसके अंडर में ही रखना है, या तो इतना रखना है या तो इससे कम रखना है, या तो इतना या तो इससे कम। क्या मैं बोल सकता हूं इसी को मैं मैक्सिमम वेलोसिटी बोल दूंगा। एग्जाम्पल, आप अपने सपोज कर लीजिए आपको जो सैलरी मिलती है, आपकी जो आपको जो सैलरी मिलती है अपने कंपनी से, तो आपके बॉस ने बोल दिया या तो आपको 40,000 मिलेंगे सैलरी में, या तो उसे जो आपके पीएफ वगैरह कटते हैं, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह कटते हैं, उससे कम होके मिलेगा। क्या मैं बोल सकता हूं वो 40,000 मेरे को मिलने वाला है वो मेरा मैक्सिमम सैलरी होगा, है ना। जो आपको सैलरी मिल रही है 40,000 रुपए की, जो सैलरी मिल रही है, बॉस ने बोला कि आप 40,000 पूरा ले लीजिए या फिर क्या करिए इसमें से कुछ पैसे कटेंगे, पीएफ प्रोफेशनल टैक्स और भी इधर उधर की चीजें कटती हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया तो इसमें से भी पैसे कटते हैं, अगर आपको ये करवाना है तो करवाइए या फिर पूरी सैलरी ले लीजिए। क्या मैं बोलूंगा वो 40,000 मेरी मैक्सिमम सैलरी है, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो वैसे यहाँ पे वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू या तो इतना या तो इससे कम, क्या मैं बोल सकता हूँ इसी वेलोसिटी को मैं बोलूंगा मैक्सिमम वेलोसिटी एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। इतना वेलोसिटी से, इतना मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए, अगर इससे ऊपर गया मैं तो मेरा कार जो है टर्न लेने के बजाय वो क्या कर जाएगा, स्किड कर जाएगा। ओके, सो ये आपके बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां से आया। ओके, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां से आया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां से आया। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है बच्चों कि जो फ्रिक्शन वो तो दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे, अच्छा इस कंडीशन पे, इस कंडीशन में मैं कार इज एट स्टेडी पोजीशन, स्टेडी पोजीशन रुकी हुई है या फिर मूव कर रही है, एट दिस डायग्राम वेदर माई कार इज मूविंग और इज एट रेस्ट। यस, माई कार इज मूविंग। If my car is moving, अगर मेरी कार मूव कर रही है, why I have written over here mu s, why not mu k, है ना। ये क्वेश्चन उठता है ना कि mu s और mu k दो फ्रिक्शन होते हैं,
म्यू एस और म्यू के दो फ्रिक्शन होते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन होने के बाद भी सर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्यों लिखा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं लिखा, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लिखा जबकि मेरी कार जो है मूव कर रही है, जबकि मेरी कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसका आंसर बच्चों यहां पे देखिए, विदर माई कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, मेरा जो कार ये डायरेक्शन में जा रहा है कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, यस मेरा कार जो है ये डायरेक्शन में जा रहा है, अपर डायरेक्शन में जा रहा है। So can I say that my car is fixed or steady at this particular point? Friction के लिए ये मेरा steady position पे है, रुका हुआ है। देखो friction का direction कहाँ पे है? Along the radius towards the center, है ना? Friction का direction मेरा यहाँ पे along the radius towards the center। लेकिन मेरी car ऐसे ना जाके, ये मेरी car जो है ऐसे ना जाके, ऐसे जा रही है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि at this position इस instant के लिए मेरा जो car है वो fixed है, steady position पे है, that's why mu s is over here, mu की नहीं आएगा, है ना? कार मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ पे है? अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। तो मेरा कार ऐसे मूव नहीं कर रहा है, वर्बल नहीं कर रहा है। अगर वर्बल रहता तो मैं कुछ और लिखता, म्यू के लिखता, लेकिन मेरा कार जो है ये डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इस डायरेक्शन के लिए क्या बोलूंगा कि मेरा कार जो है फिक्स्ड है, स्टेडी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है म्यू एस। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर इट्स म्यू एस नॉट म्यू के। अंडरस्टूड? ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अच्छा ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी आया बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है? क्या ये सपोज कर लीजिए कार है, कार की जगह मैंने ये डाल दिया, एक बड़ा सा ट्रक डाल दिया, लॉरी डाल दिया, एकदम बड़ा सा ट्रक, क्या ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल हो, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या ये फॉर्मूला हैवी ट्रक के लिए भी एप्लीकेबल होगा, है ना? ये क्वेश्चन उठता है ना कि क्या ये फॉर्मूला मेरा, अगर ये रोड पे कार ना जाके अगर ट्रक जा रही है तो क्या ये एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला? सोचिए, सोचा आपने? यस, एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का मीनिंग क्या होगा, ट्रक में भी चार पहिए होंगे, लेकिन फर्क क्या है, ट्रक का मास जो है ज्यादा होगा, ट्रक का मास जो है ज्यादा होगा और कार का मास जो है कम होगा। अच्छा, इस फॉर्मूले में, मैक्सिमम वेलोसिटी के फॉर्मूले में कहीं पर भी मास, देखो मास का जिक्र हुआ है, मास मैंने कहीं भी मेंशन किया हुआ नहीं, तो दिस मैक्सिमम वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, दिस मैक्सिमम वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, whether this is car or this is heavy vehicle or truck, a lorry, something else, okay? तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, okay? तो ये तीन क्वेश्चन थे जो आपको आपके दिमाग में आने चाहिए थे, okay? तो ये पूरा था अपना व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड, दोनों में से किसी भी एक नाम से आएगा तो आप डिराइव कर लीजिए। तीन मार्क के लिए पूछा जाता है ये, तीन या दो मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, छोटा डेरिवेशन लग रहा है तो शायद दो मार्क के लिए है। ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा, कुछ कंसिडरेशन आपको लिखने होंगे और ये डेरिवेशन डिराइव करना होगा। ये मत डिराइव करिएगा जो इसके पहले मैंने लिखा था इक्वल्स टू के फॉर्म में, ओके? अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि वही क्वेश्चन से आगे अपना जो है टॉपिक बढ़ेगा। बच्चों क्या ये फॉर्मूला रिलायबल है, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, क्या ये फॉर्मूला रिलायबल है, यस और नो? क्या ये फॉर्मूला रिलायबल है, आप अपने दिमाग से सोचिए, क्या ये फॉर्मूला रिलायबल है? नहीं, बिल्कुल रिलायबल नहीं। सपोज कर लीजिए ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, आर इज द रेडियस ऑफ द रोड, जी इज द ग्रेविटी एंड म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैंने कैलकुलेट कर लिया और यहां पे मैंने पता लगाया कि ये जो मेरा कार का स्पीड है, सपोज कर लीजिए यहां पे मैंने बोर्ड लगा दिया कि 40 किलोमीटर पर आवर से मुझे जाना है, 40 किलोमीटर पर आवर से जाना, मुझे मैंने ये फॉर्मूला लगा के मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मैंने ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट तो कर लिया, ये फॉर्मूला लगा के मैंने 40 किलोमीटर आवर का बोर्ड लगा दिया, लेकिन ये जो म्यूएस है ना मेरा, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये म्यूएस मेरा कांस्टेंट है या वेरिएबल है? यस, इट इज वेरिएबल। ये क्या है? अपना वेरिएबल है, म्यूएस अपना वेरिएबल है। मतलब ऑन ए ड्राई सनी डे, जब धूप उप होती है, एकदम सूखा होता है, तो म्यूएस विल बी ग्रेटर, म्यूएस मेरा ज्यादा होगा। सपोज कर लो एक घंटे बाद बारिश हो गई, तो वेट और रेनी डे, रोड तो मेरा गीला हो गया, अब मेरा म्यूएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मेरा सूखा, एकदम सूखे दिन थे, एकदम हरी भरी घास थी, एकदम सपोज कर लीजिए, और एकदम सनी डे है, तो म्यूएस मेरा ज्यादा रहेगा। तो उस हिसाब से सपोज कर लो मैंने 40 किलोमीटर पर आवर मैंने स्पीड मैंने कैलकुलेट कर लिया। सपोज कर लीजिए अब बारिश हो गई, तो अब तो म्यूएस मेरा लेस हो गया,
अगर मेरा म्यू एस लेस हो गया तो ये फॉर्मुले के ऊपर रिलाई कैसे कर सकते हैं आप? ये फॉर्मुले के ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि म्यू एस इज वेरिएबल। और भी चीजें हो सकती है, सपोज कर लीजिए रोड जो है, ये फॉर्मुला जो मैंने बनाया हुआ है म्यू एस, ये तो डिपेंड करेगा ना फ्रिक्शन के ऊपर, डिपेंड म्यू एस क्या मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये तो डिपेंड करेगा। सपोज कर लीजिए रोड का मटेरियल मेरा अलग है, या तो मैंने टार का बनाया हुआ है रोड, या तो ब्लॉक का बनाया हुआ है, या तो कॉन्क्रीट का रोड है, या तो सीमेंट का रोड है ना, ऐसे बहुत सारे मटेरियल से मेरे रोड बनते हैं, तो वो तो अलग अलग होगा। म्यू एस तो मेरा हमेशा क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो हर एक जगह पे मुझे हर जगह क्या करना पड़ेगा, बोर्ड टांगना पड़ेगा। आज बारिश हो गई तो आज मैं ये वाला बोर्ड लगा दूंगा, दूसरा 40 वाला, कल बारिश कम हो गई तो 30 वाला लगा दूंगा, तो ऐसे ऐसे करके मुझे रोड बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो दिस फॉर्मूला इज नॉट रिलायबल, मैक्सिमम वेलोसिटी का दिस फॉर्मूला इज नॉट रिलायबल। ओके, सो अगर ये फॉर्मूला रिलायबल नहीं होता है तो इसी से अपना टॉपिक जो है आगे बढ़ता है, हमें कुछ और चीजें भी सोचनी पड़ती है। म्यूएस को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले को अनरिलायबल कौन बना रहा है, म्यूएस बना रहा है ना बच्चों। देखिए बाकी आर तो हम लोग रेडियस तो ठीक है, रोड के हिसाब से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा रोड रहेगा, जी अपना कॉन्स्टेंट है, ग्रेविटी, और ये जो म्यूएस है ना ये फॉर्मूले को क्या कर दे रहा है, अनरिलायबल बना दे रहा है। तो इसी म्यूएस को अपने को हटाने का है, इसी म्यूएस को क्या करना है, हटा के अपने को आगे बढ़ना है। ओके, अच्छा म्यूएस कहां पे है, रोड और टायर के बीच में। तो वो जो हमने जो अपना जो पावर दिया था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को दिया था, वो पावर जो हम अपने हाथ में लेना चाहेंगे कि इसकी जगह पे कुछ और आ जाए, म्यूएस की जगह पे कुछ और आ जाए जो कि हमारे हाथ में रहे, उस हिसाब से हम अपना वेलोसिटी क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो म्यूएस को हटा के अपने को कुछ और लाना है। ओके, म्यूएस को हटा के अपने को कुछ और लाना है। ओके, तो उसके बाद अब इसके बाद वही सारे डेरिवेशन हम लोग डिराइव करेंगे। अच्छा, बिफोर दैट आपकी बुक में एक और डेरिवेशन दिया हुआ है, वॉल ऑफ डेथ। क्या दिया हुआ आपकी बुक में डेरिवेशन, वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। क्या करना अपने को, मौत का कुआं। अच्छा, ये जो डेरिवेशन था ये किसके लिए था, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ कार ऑन अ कर्व रोड, मतलब मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी इतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो कार क्या हो जाएगा, स्किड हो जाएगा, उससे कम रहेगा चलेगा। ओके, तो अब जो हम लोग डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे मिनिमम वेलोसिटी की, कि कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर उतनी वेलोसिटी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी, कार या फिर बाइक जो भी है वो गिर जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों मौत का कुआं। आप लोग ने देखो सर्कस वगैरह में देखा होगा, 20 या 30 रुपए का टिकट रहता है, आप जाइए तो वो देखिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से घूमते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, उससे कम अगर वेलोसिटी रहेगी तो जो कार वाला होगा या फिर बाइक वाला होगा वो लोग नीचे गिर जाएंगे। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी उनको क्या करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको बच्चों हम लोग, मिनिमम वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उतना मेंटेन कर पाएंगे तो ही क्या हो जाएगा, वो घूम पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं घूम पाएंगे उनके अंदर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। आइए लिखते हैं टॉपिक का नाम, सेकेंड है एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम का, वॉल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ, हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए, मौत का कुआं, कुआं कैसे लिखते हैं, ओके, हिंदी थोड़ी वीक हो जाती है पढ़ते पढ़ते, ओके, तो वॉल ऑफ डेथ। अच्छा, वॉल ऑफ डेथ इसके लिए हम लोग को क्या इमेजिन करना पड़ेगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का एक वॉल इमेजिन करना पड़ेगा, एक है ना सिलेंड्रिकल शेप का होता है ना, ऐसे ही होता है, देखो ऐसे कुछ इस तरीके का, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके का अपना मौत का कुआं होता है ना बच्चों। अगर इस तरीके का अपना मौत का कुआं है तो इसमें जो है अपनी कार जो है घूम रही है। अच्छा, सपोज कर लीजिए इसका रेडियस जो है हम लोग आर अज्यूम कर लेते हैं, ओके, इसका रेडियस जो है इस सर्कुलर है ना, ये वॉल ऑफ द, ये जो मौत का कुआं होता है जिसमें मौत का कुआं दिखाया जाता है, ये कुआं होता है सर्कुलर शेप का, सिलेंड्रिकल और सर्कुलर शेप का। लेट से इसका रेडियस हम लोग ने आर अज्यूम किया हुआ है, लेट से इसका रेडियस हम लोग ने क्या अज्यूम किया हुआ है, आर अज्यूम किया हुआ है। अच्छा, इसी के ऊपर अपना जो बाइक या फिर जो क्या नाम है कार, इसके ऊपर क्या कर रही है, ऐसे यूसीएम परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। तो लेट्स से उसका डायग्राम भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसका डायग्राम है, ओके, ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे बच्चों,
है ना, इस व्हीकल के ऊपर कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे। क्या क्या वो फोर्सेस होंगे आइए देखते हैं डिटेल में। ओके, एक तो पहला फोर्स होगा इसका वेट, जो कि होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि इसका होगा वेट होगा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट इज इक्वल टू एम जी, वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्या मैं बोलूं अगर ये रोड, ये देखिए इसके लिए रोड का काम कर रहा है ना, ये जो मेरा वॉल है उसके लिए रोड का काम कर रहा है, तो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होगा, है ना, रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होगा। अच्छा, फ्रिक्शन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। फ्रिक्शन जो है, देखिए ये टायर है ना, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन ये उत्तर कि फ्रिक्शन हमें कहां लगाना है, फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में होगा या नीचे की डायरेक्शन में होगा, है ना। देखिए यहां पे ये जो मेरा सर्कुलर ट्रैक है, ये मेरा, अगर मैं डायग्राम को अगर ऐसे बनाऊं, यहां पे देखिए अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं तो ये देखिए ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, ये अगर ऐसे घूम रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लग रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इट कैन रोटेट और इट कैन परफॉर्म यूसीएम, फ्रिक्शन की वजह से तो ये यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में होगा या नीचे के डायरेक्शन में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्या बोला मैंने कि अपने को इसमें क्या करना है, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अगर मिनिमम वेलोसिटी अगर नहीं होगा तो ये कहां पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कार जो है मेरी नीचे हो जाएगी। वेयर इज कार टेंडिंग टू गो, डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर से बोल रहा हूं मैं, वेयर इज माई कार टेंडिंग टू गो, मेरी कार कहां पे जाना चाहती है, नीचे के डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन मेरा कहां पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन मेरा कहां पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एफ एस मेरा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब क्यों मेरा फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसका आंसर सुन लीजिए। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। दिस इज माई गोल्डन लाइन, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए और ये हमेशा वर्क करेगा। मैकेनिक्स में आपको फ्रिक्शन जो है इसी बेसिस पे काम करना है। सपोज कर लीजिए ये आपका सॉलिड सर्फेस है और ये मेरा ब्लॉक है, और ब्लॉक को मैं ये डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं। अगर मैं ब्लॉक को ये डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, अगर बच्चों मैं ब्लॉक को ये डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा कहां पे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन फोर्स मेरा कहां पे रहेगा, जो जहां पे रिलेटिव मोशन है उसके अपोजिट में रहेगा। अगर मेरा ब्लॉक यहां पे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन मेरा कहां पे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरीके से कार मेरी, वेयर इज माई कार टेंडिंग टू गो, इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर उतना वेलोसिटी मैंने मेंटेन नहीं किया तो कार मेरी कहां पे चली जाएगी, नीचे। अगर मेरी कार नीचे जाना चाहती है, इफ माई कार टेंडिंग टू गो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो वेयर विल बी द फ्रिक्शन, इन अ अपवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन आपको नीचे नहीं लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा लेना है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन ऊपर ही क्यों लेना है। ओके, बच्चे एक और फोर्स है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, एक और फोर्स है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स है अपना नॉर्मल रिएक्शन, है ना, फ्रिक्शन ने, सॉरी नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, नॉर्मल मैंने पिछले केस में देखो अपवर्ड लिया था, यहां पे नॉर्मल मैंने ऐसे लिया। क्यों? क्योंकि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, सर्फेस नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। सो दिस इज माई सर्फेस, ऐसा नहीं कि कार मेरा ये था तो यहां पर, ऐसा नहीं, ये मेरा सर्फेस है और सर्फेस को ऐसे परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन मेरा ये डायरेक्शन में आया। ओके, सो तीन फोर्सेस हैं, तीन फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं, तभी तो ये मेरा यूसीएम परफॉर्म कर पा रहा है ना। तीन फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चल रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कौन किसको बैलेंस करते हुए चल रहा है। ओके, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑन वाई एक्सिस, जो एकदम सिंपल सिंपल दिखता रहा अपने को, वो ले लेंगे अपन। ऑन वाई एक्सिस, y एक्सिस पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है, एफ एस, एफ एस इज इक्वल टू एम जी। देखिए फ्रिक्शन फोर्स मेरा एम जी को बैलेंस कर रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स मेरा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। अच्छा, ऑन y एक्सिस, ऑन सॉरी x एक्सिस, ऑन x एक्सिस हु इज बैलेंसिंग। अच्छा, पहले इसका और थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एफ एस, एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यूएस एन, एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यूएस एन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, म्यूएस एन इज इक्वल टू एम जी, और क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1 है ना। एक्स एक्सिस पे कौन किसको बैलेंस कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस हु इज बैलेंसिंग, और या हु इज प्रोवाइडिंग व्हाट, हु इज प्रोवाइडिंग व्हाट, ये सारा क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा, क्या मेरा नॉर्मल रिएक्शन,
क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके सर, दोनों कैसे आ गया? है ना, नॉर्मल रिएक्शन को कौन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों मैंने ऐसा लिखा बच्चों? दो रीजन हो सकते हैं, है ना, दो रीजन हो सकते हैं। ये कब आएगा? अच्छा, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का फॉर्मूला सेम है, एमवी स्क्वायर अपॉन आर, वही हमें यूज करना है। लेकिन ये दोनों क्यों? अच्छा, मैंने क्या बोला था आपको कि दो चीजें होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब जब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, जब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे ना, तब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई देगा, तब आप क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? व्हेन यू आर एट रेस्ट, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे ऐसे खड़ा हूं और कार को देख रहा हूं, तो कार को नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे मैं देखो, कार मूव हो रही है, कार जो है ऐसे गोल गोल घूम रही है और मैं यहां पे खड़ा हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं रेस्ट कंडीशन पे हूं? और मैं अगर रेस्ट कंडीशन पे हूं तो ये नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, जो मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा है, सपोज कर लीजिए मैं यहां पे खड़ा ना होकर मैं ही कार चला रहा हूं, मैं ही कार चला रहा हूं, तो नॉर्मल डायरेक्शन को कौन बैलेंस करेगा? देखो ये गाड़ी, गाड़ी यहां पे जा रही है, गाड़ी जो ऐसे जा रही है, क्या मैं ये डायरेक्शन में जाऊंगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन यहां पे होगा, है ना, अपोजिट टू द मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर गाड़ी यहां पे जा रही है तो मैं इस तरह टर्न करूंगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर आप नॉन इनर्शियल सेंट्रीपिटल फोर्स में है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। नॉन इनर्शियल सेंट्रीपिटल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जब आप खुद गाड़ी चला रहे हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप रेस्ट पे हो और यू आर मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, तो इसका मीनिंग होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये आपको अगर देखने का, ये तो मैंने अब एक्सप्लेन कर दिया, अब आप लोगों को समझ में भी आ गया हो। अगर और डिटेल में देखना है तो मैंने इसको सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, क्यों सेंट्रीपिटल फोर्स में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आता है। ओके, ये थर्ड लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया, ये सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला तो सेम ही होता है बच्चों, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देख लो, सोच लो, समझ लो, कुछ टाइम के लिए देखो, यही होगा, है ना, यही होगा। देखो, सोचो, समझो, फिर बोलो, है ना। ओके, आइए मूव करते हैं। तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर टू, दिस इज माय इक्वेशन नंबर टू। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस इज ऑलवेज, ये होता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला। अगर आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा, फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस एन, ये हमेशा होता है, है ना। अच्छा, एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमने डिराइव किया हुआ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या कैंसिल होगा? एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, तो म्यू एस आर जी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वी लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। देखो यही होगा बच्चों, है ना, ठीक से जरा देखो, एक मिनट बताता हूं मैं। v स्क्वायर का क्या हो गया पता? ये g था, r को मैंने यहाँ पे भेजा और अच्छा यो हो, सॉरी मुझसे गलती हो गई, सॉरी माय मिस्टेक, ये g r म्यूस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी सॉरी, ये डिवीजन में आ जाएगा। और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लू, तो v अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, आर जी अपॉन म्यू एस। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा? v ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मीनिंग होता है मिनिमम वेलोसिटी, इसका v ग्रेटर देन मतलब इतना इससे इतना वेलोसिटी मेरा होना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या हम लोग डिराइव कर रहे हैं? मिनिमम वेलोसिटी, है ना, वॉल ऑफ डेथ, अगर आपको घूमने का तो मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर इससे कम होगी तो यू विल फॉल डाउन, आप नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, ग्रेट पिछले केस में देखो मैंने क्या लिखा था, v लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, है ना, तो लेस देन इक्वल्स टू का मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम। और यहां पे क्या आ गया है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका मीनिंग क्या होगा? दिस इज माय मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज माय मिनिमम वेलोसिटी आर जी अपॉन म्यू एस। अगर मुझे वॉल ऑफ डेथ या फिर मौत के कुएं में अपनी गाड़ी को, अपनी कार को घुमाना है, तो मिनिमम मेरी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो मैं गिर जाऊंगा, अगर इससे कम है तो गिर जाऊंगा। ये देखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मीनिंग होगा मिनिमम,
और लेस देन इक्वल टू का मीनिंग क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। पिछले डेरिवेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके। सो दिस इज माय डेरिवेशन ऑफ वॉल ऑफ डेथ। हर एक चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। एफ एस के ऊपर आ रहा है एफ एस, क्योंकि अगर मिनिमम वेलोसिटी अगर मेंटेन नहीं हुआ तो वेयर विल माय कार टेंडिंग टू गो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेयर विल माय कार टेंडिंग टू गो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर वो नीचे जाना चाहती है तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, है ना, तो इंटेंशनली के वो अपोजिट में जाता है। तो ये कार मेरा नीचे जाना चाहती है तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स मेरा ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन मेरा यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन को दो चीजें बैलेंस करेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो सेंट्रीपेटल फोर्स, अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, मतलब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, व्हेन यू आर मूविंग। तो ये पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, ओके। दिस इज अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौत का कुआं और वॉल ऑफ डेथ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों डेरिवेशन, एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। तो जो हम लोग ने पहला डेरिवेशन डिराइव किया, अच्छा ये तो आपको शायद 3 मार्क के लिए ये भी आएगा। अब इसका जो है टॉपिक ये यहीं पे खत्म हो जाता है। पिछला डेरिवेशन जो हमने इसके पहले डिराइव किया, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, उसी को अब आगे बढ़ाना है, उसी को अपने को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अब वो उसको आगे बढ़ाने का मतलब अपने अपने को कौन सा टॉपिक सॉल्व करना पड़ेगा, बैंकिंग ऑफ रोड, क्या हमें देखना पड़ेगा, बैंकिंग ऑफ रोड। अच्छा वो हमें बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत क्यों पड़ी, बैंकिंग ऑफ रोड की बच्चों हम लोग को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था म्यू एस आर जी अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, वो जो अनरिलायबल फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला अनरिलायबल था। एंड हु मेक दैट फॉर्मूला इज अनरिलायबल, दैट म्यू एस, वो म्यू एस क्या कर रहा था, अपने फॉर्मूले को अनरिलायबल बना रहा था। तो म्यू एस की जगह ना अपने को कुछ और डालना है कि कंट्रोल अपने हाथ में आ जाए और मैक्सिमम वेलोसिटी में अपने हाथ से रखूं, ओके। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग ऑफ रोड, ओके। तो आई होप आप लोग को ये सारा समझ में आ गया होगा। तो बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पहले ये पूरा देख लीजिए उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो ठीक है, थैंक यू। आप नोट्स भी बनाते रहिए साथ में, ओके। और अगर मेरे चैनल पे नए तो फिर से बोल रहा हूं मैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग ऑफ रोड के साथ, टिल देन बाय बाय।